हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल में। ठीक है दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सिलिकॉन के बारे में। ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है, उसका पीरियोडिक नंबर क्या होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, मास नंबर क्या होता है, और किस ब्लॉक में, मतलब कि आपका किस ग्रुप में वो एलिमेंट आता है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सिलिकॉन होता क्या है। ठीक है, सिलिकॉन का यूज कहाँ होता है, किस किस इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या होता है, जीपी है, जीपी क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे 108, 708, 786 बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं सिलिकॉन के, वो सब क्या होते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा ही से होता है। ठीक है, सिलिकॉन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ऐसा ही से होता है। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10 के बच्चे पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थ्रू हम जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है, वो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, और इसका जो आपका क्या बोलते हैं, हाँ, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1414, मतलब कि 1414 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है, तो इसीलिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब देखेंगे आगे यूज कहाँ होता है सिलिकॉन का। तो सबसे पहले सिलिकॉन जानते हैं कौन कौन से टाइप के सिलिकॉन होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सिलिकॉन मटेरियल। ठीक है, ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स में सिलिकॉन मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, और सिलिकॉन क्या होता है, जैसे कि आप जानते होंगे ट्रांसफार्मर, डायनमोज जो बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर बड़े बड़े खंभे बनाते हैं, वहां पे भी सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन एज अ सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर डिवाइस की तरह सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो वो सिलिकॉन और ये सिलिकॉन में फर्क है। ये सिलिकॉन क्या होता है, फिलर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, लाइक आपका पेंट इंडस्ट्री वाले हो गए, ठीक है, आपका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले हैं, ठीक है, मोटर पार्ट्स वाले हैं, ठीक है, ये सब इस टाइप के सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, मेनली जो दो कैटेगरीज हैं, ठीक है, सिलिकॉन एक होता है आपका गैप फिलिंग वाला और एक सिलिकॉन होता है स्टिकिंग वाला। ठीक है, और दो टाइप के सिलिकॉन के और कैटेगरी है, ठीक, इसी को ही बोलते हैं, इसी का दूसरा वेरियंट है। ठीक है, एक को बोलते हैं एसेटिक सिलिकॉन और एक को बोलते हैं नॉन एसेटिक सिलिकॉन। ठीक है, तो जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये एक्सट्रीमोसील लिखा हुआ है यहाँ पे, एशियन पेंट्स का प्रोडक्ट है ये एक्सट्रीमोसील न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये न्यूट्रल लिखा हुआ है। ठीक है, और यही पे एक और एक्सट्रीमोसील लिखा हुआ है, ये एक्सट्रीमोसील जीपी, ठीक है, जीपी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जीपी मतलब होता है जनरल पर्पस। ठीक है, ये होता है एसिटिक सिलिकॉन, मार्केट में इसका प्राइस सस्ता होता है। ठीक है, कंपनी भी इसका प्राइस सस्ता निकालती है। ठीक है, जीपी जो आपका जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का प्राइस हमेशा जीपी से 15 से 20 रुपए ज्यादा होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है सर, तो क्योंकि ये होता है, ये नॉन एसिटिक होता है। ठीक है, इसमें जो मटेरियल की कॉस्टिंग होती है वो ज्यादा होती है, और इसमें जो मटेरियल की कॉस्टिंग होती है वो एसिटिक होने की वजह से कम होती है। ठीक है, दूसरी बात, आपने कभी देखा होगा कि क्या बोलते हैं, जो आपका फ्रेम्स लगते हैं, ठीक है, और आपका जो क्या बोलते हैं पीवीसी जो प्लेट्स लगती हैं, ठीक है, वहां पे जो क्या बोलते हैं आपका जो गैपिंग फिलअप के लिए यूज किया जाता है वो इस तरीके का सिलिकॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका वेरिएंट लिखा होता है, कौन से वेरिएंट का है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लियर वेरिएंट का है। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों क्लियर, मेरे पास दोनों ट्यूब्स क्लियर हैं। ठीक है, ऐसे ही आता है आपका क्या बोलते हैं ब्लैक भी आता है और व्हाइट भी आता है। जहां पे अगर ब्लैक कलर की कांच है तो वहां पे ब्लैक क्या बोलते हैं सिलिकॉन फिलअप किया जाता है, और अगर व्हाइट कलर की कांच है तो क्लियर सिलिकॉन फिलअप किया जाता है। अब क्लियर का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आपके घर में आपने एक्वेरियम देखा होगा, जैसे कि आप इमेज भी देख पा रहे होंगे एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम के जो चारों ओर होते हैं, चारों ओर जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे क्यूब बनाया जाता है, तो जैसे इस तरीके की दो प्लेट मतलब दो ग्लासेस हमने उठाई, और ये बेस वाली ग्लास है और इसका जो ज्वाइंट होता है, यहाँ पे जो गैपिंग जो फिल की जाती है, जो इसको चिपकाने के लिए यूज किया जाता है, वो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे भी जैसे सिलिकॉन का ये वाले पोर्शन में भी सिलिकॉन और इसमें भी सिलिकॉन। ठीक है, जो ऊपर की प्लेट लगी जाती है वहां पे भी दोनों एंड में एजेस में सिलिकॉन यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है मार्केट में। ठीक है, मार्केट प्लस डेली लाइफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये। ठीक है, अब जैसे और कहाँ पे यूज होता है, सबसे ज्यादा ब्लैक सिलिकॉन कहाँ पे यूज होता है, तो ब्लैक सिलिकॉन होता है ऑटोमोबाइल वालों को। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो बस और ट्रक की जो बॉडी मेकिंग होती है, बॉडी मेकिंग के जो सीट वाला जो पोर्शन होता है, सीट के नीचे पूरा सिलिकॉन को बिछाया जाता है। ठीक है, एक बेडिंग की तरह सिलिकॉन को की जाती है, तो उससे क्या होता है, ठीक है, कि वो एक ठोस पदार्थ बन जाता है, और ठोस पार्टिकल मतलब ठोस मटेरियल बनने की वजह से जो सीट है वो स्टेबल हो पाती है और वहां पे वो मतलब फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके के लिए हम सिलिकॉन को रखते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन के बारे में आपको मैं जितनी इंफॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग मैंने दी है, ठीक है, उसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो एब्रोटेप्स और जो बाकी प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे एशियन पेंट के, हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए